हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। हाल ही में इसका भी एग्जामिनेशन हुआ था असिस्टेंट मैनेजर का। उसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोग अपियर हुए थे एग्जाम में, इसके रिगार्डिंग जो है आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। रिजल्ट अपडेट के बारे में भी पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर से ज्वाइन करिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक्स और कुछ छोटे बड़े अपडेट आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं वहां पे अपडेट कर देता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। ये जो आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे जो है शेयर किया है टेलीग्राम पे, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था असिस्टेंट मैनेजर नेशनल हाउसिंग बैंक के पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर स्किल 1, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 जनवरी 2022 तक, जो कि लास्ट डेट था अप्लाई करने का, उस डेट तक कितने लोगों ने अप्लाई किया यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें एससी के जो है 7,882 लोगों ने अप्लाई किया था, एसटी के 1,937 लोगों ने अप्लाई किया था, ओबीसी के जो है 3,859 लोगों ने अप्लाई किया था, ईडब्ल्यूएस के जो है 818 लोगों ने अप्लाई किया था और जनरल के जो है 7,353 लोगों ने अप्लाई किया था। इसी के साथ साथ टोटल जो है 21,849 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कितने लोग अपियर हुए थे इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कितने लोग जो है अपियर हुए थे कैटेगरी वाइज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एससी के जो है 2,873 लोगों ने जो है एग्जामिनेशन दिया है, एसटी के 676 लोगों ने जो है एग्जामिनेशन दिया है, ओबीसी के 1,991 लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, ईडब्ल्यूएस के 435 लोगों ने अप्लाई किया है और यूआर के जो है 3,787 लोगों ने जो है एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है। टोटल की अगर मैं बात करूं तो 9,917 लोगों ने इसका पेपर दिया है, ठीक है, एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 का। टोटल 21,849 लोगों ने अप्लाई किया था और उनमें से सिर्फ 9,917 लोग ही एग्जाम दे पाए हैं, ठीक है। लगभग 50% जो है यहाँ पे लोगों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया था इसका, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के रेट के बारे में। जैसे कि आपको पता है अभी डेप्यूटी मैनेजर का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक का जो डेप्यूटी मैनेजर है उसका जो एग्जामिनेशन था 6 मार्च 2022 को, उसका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी तक जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर का जो रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है असिस्टेंट मैनेजर का रिजल्ट, ओके। तो कब तक आ सकता है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 का रिजल्ट? इस वीक के एंड तक, ठीक है, आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक का इस वीक के एंड तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यही आपको अपडेट देना था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।